बोलो, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता, कोई देश के नाम पर कोई धर्म का नाम होता है क्या? अमेरिका का रहने वाला होगा, अमेरिका में अमेरिकन धर्म होता है क्या? ब्रिटानिया का रहने वाला होगा, उस नाम पर धर्म पड़ेगा क्या? रूस का रहने वाला हो, रशियन धर्म पड़ेगा क्या? देश के नाम पर धर्म का नाम नहीं होता है। ये तो विदेशी लोग आए हैं, इन्होंने भारत का नाम बदल करके हिंदुस्तान नाम रख दिया। वास्तव में हमारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो हिंदू धर्म के बदले देवता बनाना है। जो पक्के देवता धर्म के होंगे वो तो कभी भी कन्वर्ट होने वाले नहीं होंगे। जो और धर्मों के प्रभाव में आने वाले हैं, वो कच्चे हैं, और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं। दूसरे धर्म वाले कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्योंकि हिंदुस्तान पुराना देश है, पुराने ते पुराना है, यहाँ के बासिंदा भी पुराने, तो जो कच्चे थे सनातन धर्म के वो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। और दूसरे धर्मों में व्यभिचार पनपता है, स्वदेश में व्यभिचार को बुरा माना जाता है। व्यभिचार के कारण जनसंख्या और देशों में ज्यादा बढ़ती गई और भारतवासी जो पक्के थे उनकी संख्या कम होती गई। आज देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप हो चुका है, जैसा गीता में भी लिखा हुआ है। जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आकर के स्थापना करता हूं। पूरा तो लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नाम ही है सत्य सनातन धर्म। सत्य का कभी नाश नहीं होता है। और धर्मखंड और देश और धर्म विनाश को प्राप्त होते हैं। ये भारत खंड कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, अविनाशी खंड है, क्योंकि इसकी स्थापना करने वाला भगवान स्वयं अविनाशी है।